तो सीबीएसई की तरफ से यहाँ पे एक अपडेट जारी किया गया है क्लास 9th और 11th के लिए कि उनको पास किया जाए या नहीं किया जाए। अब से एक घंटे पहले यहाँ पे उनके हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रहा था जहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि उनको आगे प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो ये सारा कुछ है मेरे पास प्रेस रिलीज के साथ, तो मैं आपको प्रूफ के साथ शो करूंगा यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने आपको अब से एक डेढ़ घंटे पहले एक वीडियो बना के डाला था कि ऐसा वो सोच सकते हैं 1 अप्रैल मतलब आज ऐसा डिसाइड किया जाएगा, और मैंने आपको ये कहा था कि आप सब्सक्राइब करके रखें, मैं आपको बताऊंगा आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे क्लास 1 से लेके 8 तक तो वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि भाई उनको पास करना ही करना है। अब लोग यहाँ पे परेशान थे कि भाई चलो 10th और 12th का तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम 9th और 11th को तो पास करना चाहिए। तो सीबीएसई ने यहाँ पे क्या कहा है, ये देखो। इट हैज़ कम टू अवर नोटिस दैट थ्रू सेवरल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई हैज़ कम्प्लीटेड देयर एग्जामिनेशंस। हमारे नोटिस में ये आया है कि बहुत सारे स्कूल्स जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं उन्होंने अपने एग्जामिनेशंस को कम्प्लीट कर लिया था। इवेल्युएशन एंड प्रमोशन प्रोसेस ऑफ द, वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए थे या फिर एफिलिएटेड थे, उन्होंने अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को शुरू कर लिया था और ख़त्म भी कर दिया था, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्लास 9th और 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स को, मतलब क्लास 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के प्रोसेस पर काम कर चुके हैं 2019 and 20 के सेशन में जो था। तो उसको आगे देखते हुए देयर आर सेवरल स्कूल्स दैट हैव नॉट बीन एबल टू डू सो, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए थे या पेंडिंग रह गए थे या जिन्होंने आगे पास नहीं किया था स्टूडेंट्स को। दिस इंक्लूड्स अमंग अदर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा, प्राइवेट स्कूल, कहता है इसके अंदर वो सारी चीजें आती है जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब क्या कहा जा रहा है, ऑल सच स्कूल्स आर एडवाइज टू प्रमोट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9th and 11th टू द नेक्स्ट ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, टेस्ट, एग्जाम टेस्ट एक्सेट्रा। अब ये कहा गया है कि भाई अब चाहे तुमने पहले एग्जाम किए हो या ना करवाए हो, अब पास करना पड़ेगा क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट को उनके प्रोजेक्ट के बेसिस पे, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, पिछले एग्जाम के बेसिस पे। कोरोना वायरस को देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 9th और 11th के स्टूडेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। और ये प्रेस रिलीज मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से है 1 अप्रैल को, जो जस्ट अभी 38 मिनट पहले लॉन्च किया गया है, यहाँ पे प्रेस रिलीज में दिया गया है, ठीक है। सीबीएसई से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी आपको चाहिए या फिर आपको एजुकेशन चाहिए, बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं सीबीएसई के सिलेबस जो होते हैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और कम से कम इस वीडियो के ऊपर लाइक तो बनता है क्योंकि आप लोगों का प्रमोट कर दिया गया है।